नमस्ते, सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं महुआ मोइत्रा की। महुआ मोइत्रा जिसके ऊपर पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ब्रीच करने का आरोप लगा है, महुआ मोइत्रा जिसने कि पार्लियामेंट में धन लेकर या किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट को लेकर उसमें प्रश्न पूछे। महुआ मोइत्रा ने 61 प्रश्न पूछे। 61 प्रश्नों में से 50 प्रश्न ऐसे थे जो कि दर्शन हीरानंदानी को लाभ देने वाले थे। अब दर्शन हीरानंदानी जिन जिन प्रोजेक्ट्स में सवाल खड़े कर रहा था या जिसमें वो टेंडर कर रहा था, उन्हीं प्रोजेक्ट में के प्रश्न पूछे गए। अडानी के खिलाफ पूछे गए और लोगों के खिलाफ पूछे गए और अडानी को कल्प्रेट बनाया गया। अडानी को लेकर देश भर में एक आंदोलनात्मक मूड शुरू हो गया। हालांकि उससे अडानी और ज़्यादा फेमस होते चले गए। जिनको लोग नहीं जानते थे वो लोग सब अडानी को समझने लगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ही खड़ा हुआ कि वो प्रश्न इतने उठे कि हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट छाप दी, जॉन सोरस ने पैसा खर्च कर दिया, बड़े बड़े वकीलों को देश में हायर किया गया, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन चली आई। आप सोचिए कि सेबी की इन्वेस्टिगेशन बैठ गई और सुप्रीम कोर्ट को भी उसमें पूरी सुनवाई करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट को एक अलग से कमीशन बनाना पड़ा। वो कमीशन अडानी ग्रुप्स और सेबी के जो शेयर्स हैं या जो कंपनियां हैं उन कंपनियों का इन्वेस्टिगेशन करना पड़ा। आप सोचिए कि क्या ये कुछ ऐसा नहीं लगता कि जो कहीं एक जगह से ऑपरेट हो रहा हो। और उसका मुख्य कारण शायद रहा होगा कि अडानी देश की वो कंपनियां जो नई कंपनियां बड़ी हो गई हैं, वो विदेशी कंपनियां जो भारत में इन्वेस्टमेंट करती हैं, भारत के लोगों को अपना नौकर बनाती हैं, नौकर बनाकर काम करवाती हैं और यहाँ से प्रॉफिट लेकर विदेश चली जाती हैं, वो बड़ी कंपनियों को ठेस नहीं लगेगी। अगर अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला यहाँ पर बढ़ेंगे तो हिंदुजा यहाँ पर बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है कि भारत की कंपनियों को इतना बदनाम कर दिया जाए, भारत की कंपनियों को इतने प्रश्न खड़े कर दिए जाएं कि वो कंपनियां भारत के लोग उन पर विश्वास ना करें और विश्वास करें तो अंग्रेज़ों पर करें। यानी कि भारत के राजाओं पर विश्वास ना करके अंग्रेज़ों पर विश्वास करें और अंग्रेज़ से मतलब उस समय का है विदेशी शक्तियाँ भारत में फिर से अपने पैर जमा सकें। कम से कम धन तो उनके पास हो। भारत जो है वो मानसिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से गुलाम बना रहे हैं, यही नीतियां अपनाई जाती हैं। इसके लिए भारत में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आता है, भारत में एनजीओ गैंग काम करने शुरू करते हैं, एनजीओ की रिसर्च फर्में बनती हैं, वो फर्में रिसर्च कर करके डॉक्यूमेंट पब्लिश करती हैं, उन पर सेमिनार आहूत किए जाते हैं, उन पर बुक राइटिंग की जाती है, वो यूनिवर्सिटी में रिसर्चों का काम करवाते हैं, वो इसके अतिरिक्त देश भर में पेपर पब्लिश करते हैं, मैगजीनों में छापते हैं, मीडिया में बोलते हैं, वकीलों के माध्यम से बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाते हैं और फिर फाइनली पॉलिटिशियंस के माध्यम से पार्लियामेंट में घुसते हैं। हो सकता है कि वो कुछ कर्मचारियों के माध्यम से सरकार में भी घुसे हों और घुसते ही होंगे, सरकार में घुसते हैं। सरकार के अंदर सरकार की जो मशीनरी से मतलब है जो उनका प्रशासनिक मशीनरी होते, उस प्रशासनिक मशीनरी में भी वो घुसते ही होंगे और कुल मिलाकर पूरे देश के सिस्टम को हैंग करना, उसकी इन्फॉर्मेशंस लेना और कब क्या कौन सा आंदोलन भारत में खड़ा हो जाए और उसके पीछे क्या हो कुछ पता नहीं। महुआ मोइत्रा उसमें सबसे पहला वो विक्टिम ना कहिए, वो एक्यूज्ड बनी जिनके विषय में बात खुलकर सामने आ गई। और वो भी इसलिए खुलकर आ गई क्योंकि उनके ही पार्टनर कभी रहे या उनके मित्र रहे जय आनंद ने एक चिट्ठी लिखी। जय आनंद चूंकि उनके विषय में बहुत अच्छा जानते थे, जय आनंद से उनके रिलेशंस ब्रेक हो गए। जय आनंद से मिलकर उन्होंने कुत्ता गोद लिया था, वो कुत्ते को बच्चे की तरह पाला था। उस कुत्ते को यानी कि उस कुत्ते रूपी बच्चे को उन्होंने कौन उसका सक्सेसर हो, माँ के पास रहे कि बाप के पास रहे कि भाई के पास रहे कि बहन के पास रहे और दोनों पार्टनर्स में से कौन से पार्टनर के पास रहे, इस बात को लेकर कुत्ता विवाह शुरू हुआ और कुत्ता विवाह कोर्ट में पहुंच गया उत्तराधिकार को लेकर। कोर्ट में जब उसकी दाल नहीं गलती दिखाई पड़ी या कोर्ट में लंबा समय लगता दिखाई पड़ा तो फिर जय आनंद ने चिट्ठी लिख दी निशिकांत दुबे को।
निशिकांत दुबे ने वो चिट्ठी उठाकर उसको क्रॉस वेरीफाई किया, उस रिसर्च को पार्लियामेंट को भेज दिया, पार्लियामेंट के चेयरमैन ने इथिक्स कमीशन को भेज दिया, कमेटी को भेज दिया, और दूसरी तरफ सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन आ गई। हाई कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट में जिन लोगों ने प्रश्न खड़ा किया था उनके खिलाफ मानहानि का मामला हुआ। मानहानि के मामले में जय आनंद कोर्ट में पेश हुए। जय आनंद के कोर्ट में पेश होने से पहले एक सीनियर एडवोकेट, जो दोनों के एडवोकेट हुआ करते थे, वो सीनियर एडवोकेट अपीयर हुए, उससे पहले उन्होंने जय आनंद को फ़ोन कर लिया। जय आनंद को फ़ोन करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई केस विड्रॉ कर लो, तुम हम एक ही बात हैं, ये है वो है, और 30 मिनट तक बात हुई। जय आनंद इतना चिढ़ा हुआ था कि जय आनंद ने वो दिल्ली हाईकोर्ट के सामने उन सीनियर एडवोकेट की पूरी बात बता दी और कहा मेरे पास कॉल रिकॉर्ड है, आप चाहो तो सुन लो, मुझे विड्रॉ करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, मुझे सीबीआई से केस विड्रॉ करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, और उसके कंसिडरेशन में वो कुत्ता जो हम दोनों ने मिलकर पाला था, उसके कस्टडी का मामला था, वो कुत्ता हमको दिया जा रहा है। हाईकोर्ट ने भी सीनियर एडवोकेट को बड़ी खरी खोटी सुनाई, सीनियर एडवोकेट ने अपने आप को रेक्यू कर लिया। रेक्यू करने के बाद वो मामला तो पता नहीं कहाँ चला गया, क्योंकि वो तो सब खुल गया मामला, और वो जो दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि मानहानि का केस करके दबाओ, तो मानहानि होगी तब तो बनेगा, क्योंकि मानहानि का मुकदमा जब 499-500 में इंडियन पिनल कोड में आता है तो वो ये कहता है कि सत्य पर मानहानि नहीं हो सकती। अगर कोई रिसर्च है तो मानहानि नहीं हो सकती, अगर कोई बात गुड फेथ में है तो मानहानि नहीं हो सकती, अगर कोई बात पूरे देश में देश की की स्थिति के लिए या देश के भले के लिए है तो फिर मानहानि नहीं हो सकती। यानी कि इस मामले में अब ये लग रहा है कि मानहानि नहीं हो सकती और मानहानि होने का कोई कारण मिलता नहीं। और जो लॉगिन पासवर्ड की बात है, वो जब हीरन अंदानी को लगा कि वो भी इसमें घसीटे जा रहे हैं और फंस जाएंगे, तो हीरन अंदानी ने आगे से एफिडेविट लगा दिया कि भैया हम तो अप्रूवर बन जाएंगे, सरकारी गवाह बन जाएंगे, क्योंकि हमको लॉगिन पासवर्ड मिला था। लॉगिन पासवर्ड को लेकर इथिक्स कमेटी के पास मामला शुरू हो, इथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को बुलाया, महुआ मोइत्रा के इथिक्स कमेटी में प्रेजेंट होने से पहले ही ये बात सामने आ गई कि 47 times वो दुबई से खोला गया, जबकि उस समय पर जिस समय वो लॉगिन हुआ उस समय महुआ मोइत्रा दिल्ली में थी या भारत में थी। अब ये मामला और कॉम्प्लिकेटेड होता चला गया, क्योंकि इथिक्स कमेटी के सामने यही बात केवल नहीं है, इथिक्स कमेटी के सामने ये बात भी है क्या सिक्योरिटी ब्रीच की गई पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी का ब्रीच माना जाएगा और ये प्रोफेशनल इथिक्स का उल्लंघन माना जाएगा, प्रिविलेज का उल्लंघन माना जाएगा, प्रिविलेज ब्रेक माना जाएगा। महुआ मोइत्रा को सीबीआई ने भी सम्मन किया होगा संभवता, और इधर इथिक्स कमेटी ने बुलाया, इथिक्स कमेटी के सामने प्रेजेंट होने के लिए उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं आ सकती अभी, तो इथिक्स कमेटी ने 2 दिन और आगे का टाइम दे दिया। इथिक्स कमेटी में 11 मेंबर थे, उसमें 6 मेंबर्स बीजेपी या बीजेपी सपोर्टेड थे और 5 मेंबर अपोजिशन के थे, तमाम वेरियस पार्टी कांग्रेस से लेकर सभी पार्टियों के। अब इस मामले में देश में एक द्वंद्व छिड़ा हुआ है कि किस प्रकार से बीजेपी के हेड वाली सरकार को, बीजेपी के हेड वाले कमीशन को या कमेटी को पछाड़ा जाए, बीजेपी को कैसे बदनाम किया जाए ताकि वो सत्ता से बाहर हो जाएं। अब यहां पर लोग ये भी भूल गए कि वाकई में पार्लियामेंट तो हम सबकी है, पार्लियामेंट्री ब्रेक तो ब्रीच तो सबका है, पार्लियामेंट की जो प्रिविलेज है वो प्रिविलेज भंग सबका है। तो वो जो 5 पोजीशन के थे वो पहले ही चिल्लाने लगे थे, वो तभी चिल्लाने लगे थे जब इथिक्स कमेटी के सामने प्रेजेंट भी महुआ मोइत्रा नहीं हुई थी। भाई ये पूछा जा सकता है इतनी जल्दी क्यों है, इतनी जल्दी आपने क्यों बुला लिया, क्यों उसको अपने सामने प्रेजेंट होने के लिए बुला लिया, आप सम्मन जारी करते, आप उनको नोटिस करते, नोटिस का जवाब लेते, तो वो पहले से 5 चिल्ला रहे थे कि भाई किस प्रकार से मोदी सरकार के सामने जो महुआ मोइत्रा इशू आ गया, चूंकि महुआ मोइत्रा जो अडानी खेल रही थी वो पूरा अपोजिशन खेल रहा था और पूरा अपोजिशन अडानी के माध्यम से बीजेपी सरकार को, मोदी जी की सरकार को घेर रहा था। तो अगर महुआ मोइत्रा फंसती हैं तो ये निश्चित है कि पूरे के पूरे अपोजिशन का जो भरवंडा है वो फ्लॉप हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की जो निष्पक्षता है वो सामने आ जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की हेड वाली सरकार को कैसे खींचा जाए और अडानी का जो प्रोपगंडा देश में फैलाया गया वो प्रोपगंडा कैसे बना रहे और वो प्रोपगंडा कैसे सस्टेन करे चुनाव तक, इसके लिए वो 5 जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, एमपीज हैं,
उन्होंने पहले विरोध कर दिया था और महुआ मोहित्रा को जब बुलाया गया वो आने को तैयार हो गई, दो दिन का समय मिला था उसके बाद आने को तैयार हो गई। उसमें महुआ मोहित्रा प्रेजेंट हुई, प्रेजेंट होते समय चेयरमैन, चूंकि जनरली हम सब कभी अगर इंटरव्यू बोर्ड में गए होंगे, मैं आईएएस के इंटरव्यू मॉक इंटरव्यूज में बैठता हूं और क्वेश्चंस करता हूं, तो हम जब पूछते हैं तो सबसे पहले चेयरमैन को पूछने के लिए कहा जाता है कि भाई चेयरमैन साहब पूछेंगे, चेयरमैन उसकी शुरुआत करेंगे, उसके बाद बाकी मेंबर्स की तरफ वो इशारा करेंगे सीनियरिटी को लेकर, और फिर पूरे मेंबर्स जब निपट जाएंगे तो चेयरमैन फाइनली उसको फिर से हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस बने तो वो पूछ लें। ये एक प्रोफेशनल इथिक्स ना कहिए, ये एक मॉरल इथिक्स भी होती है कि भाई सीनियर सबसे पहले पूछेगा। तो बात यहाँ पर आई थी कि 11 सदस्यीय एथिक्स कमेटी के चेयरमैन मिस्टर सोनकर वो क्वेश्चन करने वाले थे। सोनकर साहब ने क्वेश्चन उनसे करने शुरू किए जब ममता जब महुआ मोहित्रा प्रेजेंट हुई। अब आप सोचिए कि दो इश्यूज हैं बड़े जो महुआ मोहित्रा कह रही हैं, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है सरदेसाई को, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे सामने मूलतः दो क्वेश्चंस हैं कि क्या मैंने लॉगिन पासवर्ड दर्शन हीरा नंदानी को दिया है, जबकि हीरा नंदानी भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक होने के नाते कोई काम किसी को दिया जा सकता है, भारतीय नागरिक को लॉगिन पासवर्ड देना कोई बुरी बात नहीं है। आगे आर्गूमेंट जो वो कर रही थी, वो आर्गूमेंट में उन्होंने ये कहा कि जब पीएमओ में, यानी कि प्रधानमंत्री का लॉगिन पासवर्ड पीएमओ के कोई लोग खोलते हैं, वो अधिकारी अपॉइंटेड होते हैं, वो उनके लॉगिन पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे लॉगिन पासवर्ड का इस्तेमाल हीरा नंदानी क्यों नहीं कर सकते, दर्शन भारत के नागरिक हैं और वो कर सकते हैं। ये उनका आर्गूमेंट था। दूसरा आर्गूमेंट उनका, दूसरा जो प्रश्न था वो ये था, क्या धन लेकर प्रश्न पूछे गए? तो उनका कहना था कि मैं एथिक्स कमेटी के सामने गई तो कोई प्रश्न ऐसा हमसे पूछिए, तो उसका जवाब, इन दोनों के जवाब वो रट कर गई थी। उनका कहना था कि मेरे पास कोई धन मिला नहीं है, मुझे कुछ फेवर हुआ नहीं है, हाँ मैं कंसल्टेंसी जो टीम है, तो हीरा नंदानी जो है वो कंसल्टेंसी का भी काम करते हैं, इसलिए अगर मैंने उनसे कुछ प्रश्न पूछे, मैंने उनसे कुछ पूछा, और वो पूछना कोई, उनसे कंसल्टेशन लेना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत लोग लेते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि उनसे फेवर मेरा इतना है कि वो कार भेज देते थे, वो अपना ड्राइवर भेज देते थे, उस ड्राइवर और कार के माध्यम से मैं इधर उधर जाया करती थी, ये कोई बहुत बड़ा फेवर नहीं है उनसे मीटिंग करने के लिए। ये उनके अर्थ। अब उनका कहना था इन दो प्रश्नों के अलावा किसी प्रकार के कोई प्रश्न को पूछने का किसी का अधिकार नहीं, जबकि वो स्वयं इस कमेटी के सामने जाने से पहले जब उनसे वार्ता हो रही थी तो वो कह रही थी हीरा नंदानी उनके मित्र हैं, उनके अच्छे फास्ट फ्रेंड हैं, तो अगर किसी फ्रेंड को दे दिया गया कोई लॉगिन पासवर्ड तो इसमें बुराई क्या है, वो भारत के नागरिक हैं, ये वो स्टेटमेंट दे चुकी है। दूसरा ये है कि उनके पुराने पार्टनर जो जय आनंद जी हैं, जो एडवोकेट हैं, जिन्होंने केस फाइल किया था सीबीआई के सामने, जय आनंद से उनके क्या रिलेशन है, इस बात को लेकर वो लगातार हाईकोर्ट तक में मामला खुल कर गया था, जो जो गोपाल सुब्रनारायण ने शंकर नारायण ने बात की थी, वो तो जय आनंद के पास उसकी ऑडियो क्लिप है और वो बताया गया कि तुम्हारी अच्छी दोस्ती है, ये है वो है, और महुआ मोहित्रा भी ये बात डिनाई नहीं करती कि दोस्ती नहीं, और मुकदमा भी कुत्ते की कस्टडी को लेकर चल ही रहा है दोनों के बीच में, कि संयुक्त रूप से कुत्ता पाला था। अब संयुक्त रूप से दो लोग साथ साथ में अगर उनकी मित्रता होती है तो मिलकर कुत्ता कौन पालता है? अगर दो अलग अलग घरों में रहने वाले लोग एक ही कुत्ता मिलकर पालेंगे तो किसके पास रहेगा, वहां से सवाल शुरू होगा। और अगर एक ही घर में रहते हैं और मिलकर कुत्ता पालेंगे तो फिर प्रश्न भारतीय सभ्यता में, भारतीय सोसाइटी में तो बनता है। हालांकि ये बात तो ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट सेक्सुअल ऑटोनॉमी को लेकर जवाब दे चुका है और ये कह चुका है कि शादीशुदा होने के बावजूद प्रत्येक पुरुष और महिला को सेक्सुअल ऑटोनॉमी है। हालांकि LGBTQ के मामले में और अभी सुप्रीम कोर्ट में 3-2 से जजमेंट हो गया, और लेकिन वो जजमेंट LGBTQ के अगेंस्ट में चला गया, इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने उसके बाद किसी कार्यक्रम में ये स्टेटमेंट दे दिया और उन्होंने कहा कि मैं अभी भी अपने द्वारा दिए गए निर्णय पर अडिग हूँ। और मजे की बात है उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन आ गई और जो जजेस उसमें उस समय थे वो ऑनरेबल जस्टिस भट्ट रिटायर हो गए, तो फिर नई, अब 4 ही बचे, 5 तो बचे नहीं, तो रिव्यू कौन करेगा? रिव्यू करने का अब नया गेम हो सकता है, यानी कि रास्ता
फिर से खुल गया, चीफ जस्टिस की अदालत में रिव्यू जाएगा, वो फिर से रिव्यू किसके पास भेजते हैं, कैसे भेजते हैं, क्या प्रक्रिया क्या है, वो सब डिस्कशन होगा। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस उस पर डटे हुए हैं कि उन्होंने जो निर्णय किया है वो सही किया, और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ही पहले भी निर्णय कर चुके हैं कि देयर इज द सेक्सुअल ऑटोनॉमी ऑफ द फीमेल एंड मेल्स वेदर दे आर मैरिड और अनमैरिड। वो शादीशुदा हों या ना हों, उनको शादीशुदा होने के बावजूद सेक्सुअल ऑटोनॉमी है, इसलिए किसी भी प्रकार से वो जार कर्म का केस ही नहीं चलता, पर स्त्रीगामी का केस नहीं चलता, और इसमें कोई भी दोषी नहीं है, दोनों अपने अपने रह सकते हैं। खैर, ये भी सब भारतीय सभ्यता संस्कृति जो भारत के मन में है, जो भारत के दिल में है, उसके अंगेंस्ट में जाता है। अगर कोई 0.001% लोग होंगे भी, यानी कि 140 करोड़ की आबादी में अगर हजार लोग भी देश में ऐसे होंगे, तो क्या वो तो नगण्यता की स्थिति में आते हैं हजार लोग। अब लेकिन वो हजार के भी फंडामेंटल राइट हैं, ये सब बातें तो भाई होती हैं। खैर, जिस समय ये मामला गया एथिक्स कमेटी, तो एथिक्स कमेटी ने उनसे पूछ लिया कि आप जो रिलेशन की बात करते हैं, आप जो फ्रेंडशिप की बात करते हैं, वो फ्रेंडशिप का मतलब हमें समझाइए। अब फ्रेंडशिप कितनी गहरी है, फ्रेंडशिप का यहाँ मतलब क्या है, फ्रेंडशिप किस स्तर की है, ये एक प्रश्न पूछ लिया, जो भी जवाब उन्होंने दिया हो। दूसरा प्रश्न उन्होंने ये पूछ लिया कि आपने हीरा नंदानी के साथ कितने बार बात की, आपकी हीरा नंदानी से मित्रता का लेवल क्या है, आप उनके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं, आप उनसे फ़ोन कॉल्स जो करते हैं या करते आए हैं उसकी ज़रा डिटेल दे दीजिए। अब ये बात तो अगर निकल आएगी कि किस स्तर के रिलेशन है, तो कुछ बताना पड़ेगा। और दूसरी बात जो सबसे प्रमुख है, वो फ़ोन कॉल्स इतने क्यों होते थे, क्या होता था। महुआ मोइत्रा उस बात को लेकर अंदर भड़क गई और उन्होंने कहा कि अब आप हमारे पर्सनल अफेयर्स को लेकर बात कर रहे हैं, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। और वो 5 सदस्य जो बैठे हुए थे अपोजिशन के, वो पहले से तैयार थे। उन्होंने क्या किया कि जैसे ही महुआ मोइत्रा ने अंदर कुछ खड़बंडल किया, वो 5ों बाहर निकल आए। अब देखिए, इथिक्स कमेटी की खास बात एक और होती है कि वो भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में आती है, और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में आने की वजह से वो वार्ता कॉन्फिडेंशियल होती है। जो कुछ अंदर हुआ हो वो केवल रिड्यूस होगा पेपर में, और उसका डिसीजन जो भी बनाएंगे, जो उसकी ओपिनियन होगी, वो चेयरमैन को दे दी जाएगी, यानी कि स्पीकर को दे दी जाएगी। स्पीकर उस पर जैसा निर्णय करना चाहे। इथिक्स कमेटी एक कमेटी है, वो निर्णय लेने का अधिकार नहीं रखती, वो केवल उसको लिपिबद्ध करेगी, वो उसको केवल कागज पर उतारेगी। लेकिन यहाँ पर 5 MP बिल्कुल वैसे ही जाकर मीडिया में भाषण देने लगे, जैसे कि आपको याद होगा कि 4 जजेस बाहर निकलकर भाषण देने लगे थे जब ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, और बाद में उसमें से भी चीफ जस्टिस होने वाले लोग भी थे, और वो बाहर आकर कहने लगे कि साहब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, रोस्टर ठीक नहीं चल रहा, हमको कुछ अच्छे केस नहीं दिए जा रहे, मेरे मन के केस नहीं दिए जा रहे, वो तो अपने हिसाब से तय कर लेते हैं, और जो कि उनका राइड बनता है। वही उसी तरह से ये 5 मेंबर जिनको मार्केट में नहीं आना चाहिए था, उन 4 जजेस की तरह ये समाज में उतर आए, और आकर इन्होंने कहा कि भाई अनपार्लियामेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, अनएथिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। ये बात महुआ मोइत्रा को सपोर्ट करती थी, इसलिए महुआ मोइत्रा जब आई तो राजदीप सरदेसाई को वो एक इंटरव्यू दे बैठी इंडिया टुडे पर, और वो उस इंटरव्यू में वो कहती दिखाई पड़ी कि आपको क्या अधिकार है कि आप हमसे पूछेंगे, आपको क्या अधिकार है कि आप मेरी पर्सनल लाइफ पूछेंगे, आपको क्या अधिकार है कि आप मेरी कॉल रिकॉर्ड्स पूछेंगे, आपको क्या अधिकार है कि मैं किसे किसे बात करती हूँ वो आपको जानना हो, आप अपना ये पूछिए ना कि लॉगिन पासवर्ड गया कि नहीं गया, आप ये पूछिए ना पैसा कहाँ गया। भैया, अब शायद उनको भारतीय इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानकारी नहीं है। जब इन्वेस्टिगेशन किसी चीज़ का होता है तो वो बहुत सारे आयाम जो आपके चारों ओर घूमते हैं, उन सबके प्रश्नों के उत्तर ढूंढे जाते हैं, उन सभी आयामों को खंगवाला जाता है। कैसे पता लगे कि हीरा नंदानी आपके व्यावसायिक पार्टनर हैं, कैसे पता लगे कि हीरा नंदानी आपके गुड फेथ में हैं, और कैसे पता लगे कि वो आपके एम्प्लॉय हैं, इसके लिए तो आपको या तो डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, या फिर उनके साथ जो फिड्यूशरी रिलेशन आपके बने हुए हैं वो फिड्यूशरी रिलेशन आपको बताने पड़ेंगे। हम सब जानते हैं कि कंसिडरेशन, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप पढ़िएगा तो कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन की जहां पर बात की जाती है, तो कहा जाता है कि कोई फेवर भी कंसिडरेशन होता है।
यानी कि धन ना दिया गया हो लेकिन कोई फेवर कर दिया गया हो तो उसको कंसिडरेशन माना जाता है, उसको प्रतिफल माना जाता है। दूसरी बात, कंसिडरेशन, देर इज नो नीड फॉर द कंसिडरेशन इन केस ऑफ लव एंड अफेक्शन। लव एंड अफेक्शन का जहां पर मामला आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार, लव एंड अफेक्शन के सभी मामलों में या किसी भी मामले में ये बात निश्चित है कि उसमें कंसिडरेशन नहीं चाहिए होता है। अगर उसमें कंसिडरेशन नहीं है तो भी वो एग्रीमेंट मान लिया जाएगा। तो जहां पर पैसा नहीं पाया गया महुआ मित्र के पास, वो ये पता करना पड़ेगा कि किस प्रकार के फिड्यूशियरी रिलेशन दर्शन हीरानंदानी के साथ हैं। अगर वो फिड्यूशियरी रिलेशन इस्टैब्लिश हो जाते हैं तो माना जाएगा कि देयर इज नो नीड फॉर द कंसिडरेशन, बिना पैसे के भी हो सकता है, बिना पैसे के इसमें फेवर किया गया होगा इसलिए हो गया होगा, इसमें और कोई लव एंड अफेक्शन का मैटर आ गया होगा इसलिए हो गया होगा, कोई भी जो भी रहा हो, तो फिर ये तो पता करना ही पड़ेगा कि आपके उनके फिड्यूशियरी रिलेशन किस स्तर के हैं और उनके आधार क्या हैं। वही बात मुझे लगता है एथिक्स कमेटी ने पूछ ली तो उनके पास जवाब नहीं था। और दूसरी बात तो ये भी है कि आप अपनी पावर का, आपको जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज दी गई है उसका कितना मिसयूज करवाएंगे, कितना यूज आपने किया है और मिसयूज हुआ है, उसके लिए आपकी कॉल रिकॉर्ड की भी आवश्यकता पड़ती ही है। ये तो पार्लियामेंट्री एथिक्स कमेटी पूछ रही थी, अगर ईडी सीबीआई या पुलिस पूछ रही होती तो आपका फोन जब्त कर लेती और फोन जब्त करके खुद ढूंढ लेती कि आपकी कॉल रिकॉर्ड्स क्या हैं और आप कहां कहां इन्वॉल्व हैं। मुझे लगता है कि महुआ मोहत्रा जहां जाएं और वहां विवाद ना खड़ा हो, और अपोजिशन को मैंने आपको बताया कि अपोजिशन को इस समय महुआ मोहत्रा गलत हो या सही हो, महुआ मोहत्रा को बचाने में उनका लाभ है, क्योंकि अगर महुआ मोहत्रा ना बच पाई तो अडानी वाला जो कॉन्सेप्ट उन्होंने खड़ा किया है, अडानी का जो पूरा आवरण तैयार किया है, वो उनका धूमिल हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा और लोकसभा का चुनाव सामने खड़ा है, विधानसभा का चुनाव चल ही रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सब कुछ रचा गया और अभी उसको कैसे टाला जाए इसकी व्यवस्था पूर्ण रूप से करी गई, लेकिन महुआ मोहत्रा हैं, जाएंगी तो विवाद के बगैर चली आएं ऐसा संभव हो नहीं सकता, और उन्होंने एक नया चैप्टर शुरू कर ही दिया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।